अमेरिकी इदारे नासा की जानिब से खलाई तारीख के मशहूर तरीन मिशन्स में से एक वायजर 2 को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हादसाती तौर पर एक गलत कमांड के बाइस इससे राबता मुनकते हो गया है। नासा की जानिब से वायजर 2 से 21 जुलाई के बाद से राबता नहीं हो सका, क्योंकि गलत कमांड के बाइस मिशन के एंटीना का रुख ज़मीन की जानिब नहीं रहा। वायजर 2 लगभग 46 बरसों से खला में सफ़र कर रहा है और 2018 में निज़ाम शमसी की हद से बाहर निकल गया था। इस खलाई जहाज़ को 1977 में वायजर 1 से 16 दिन पहले रवाना किया गया था, मगर वो इसके बाद निज़ाम शमसी की हद से बाहर निकला था। इस वक्त वायजर 2 35,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा है और ज़मीन से 12 अरब मील दूर पहुँच चुका है। नासा के मुताबिक वायजर 2 से राबता बहाल करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले हफ्तों में खला के इस हिस्से में सिग्नल्स भेजे जाएंगे जहां वायजर 2 मौजूद है। अमरीकी इदारे को तवक्को है कि ऐसा करने से दुरुस्त कमांड मिशन तक पहुंच जाएगा और उसके एंटीना का रुख ज़मीन की जानिब हो जाएगा। अलबत्ता अगर फिर भी कोई कामयाबी ना हुई तो फिर अक्टूबर तक इंतज़ार किया जाएगा, जब खलाई जहाज़ का सिस्टम खुदकार तौर पर रिबूट होगा, जिससे एंटीना का रुख ज़मीन की जानिब होने का इम्कान। इस वक्त तक वायजर 2 पहले से तयशुदा रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखेगा। दहाइयों के सफ़र के दौरान इस खलाई जहाज़ ने निज़ाम शमसी की चंद यादगार तस्वीर खींची है। वायजर 1 और 2 की ज़िंदगी साइंसदानों की तवक्कुआत से ज़्यादा रही है और आगाज़ में ख्याल किया जा रहा था कि लॉन्च के 4 साल के अंदर उनका सफ़र इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। वायजर प्रोजेक्ट की सदर लिंडा स्पिल्कर ने अप्रैल 2023 में बताया था कि दोनों खलाई जहाज सूरज से जितनी दूर होते जाएंगे उनका साइंसी डेटा इतना ज़्यादा कीमती होता जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यकीनन जब तक मुमकिन हुआ उनकी ज़िंदगी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। साइंसदानों की जानिब से दोनों खलाई जहाज़ों की ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर उनका मानना है कि वो अपने इख्तिताम के करीब हैं।